सुशांत सिंह राजपूत कुछ दवाई खरीदने के लिए वो मेडिकल स्टोर में कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट करने के बाद मेडिकल स्टोर वालों की तरफ से ये कहा जाता है उन्हें, तो इन्होंने भी सुशांत सिंह राजपूत को हेल्प करने के लिए उन्होंने कहा था कि मैं देखता हूं। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले हैं। दोस्तों, मेन जो मुद्दा है उस मुद्दे पे फोकस करने का टाइम आ गया है, यानी सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की मुद्दा, यानी जिसके लिए आप, मैं और पूरी तमाम देश एकदम बेचैन है कि कब तक इस बंदे को जस्टिस मिलेगा। यानी इनके साथ जो भी हुआ है वो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, और जिसके लिए हमारी इंडिया की संविधान ये ही कहता है कि ऐसा अगर किसी भी व्यक्ति के साथ होते हैं तो उनको न्याय मिलना चाहिए। तो एग्जैक्टली ये जस्टिस की प्रक्रिया आज के दिन में कहां तक पहुंचा है, या फिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की प्रक्रिया में इतना लेट हो रहा है, इसके ऊपर एग्जैक्ट आंसर क्या है, वो आंसर मैं आपको प्रॉपरली तरीके से देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो पे। तो ये आंसर लेने के लिए सबसे पहले हमें पहुंचना होगा सुशांत सिंह राजपूत और सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका की एक व्हाट्सएप चैट के ऊपर। दोस्तों, जो कि आपको भी पता है क्योंकि आप भी लगभग 3 साल से सुशांत सिंह राजपूत की इस टॉपिक के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और आप भी लगातार ये छानबीन कर रहे हैं कि अल्टीमेट सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस दिन क्या क्या घटना हुआ था। तो इसी हिसाब से अगर सुशांत और सुशांत की सिस्टर की एक व्हाट्सएप चैट के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो वो व्हाट्सएप चैट हमारे सामने कुछ इस तरीके से शो होता है कि 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत कुछ दवाई खरीदने के लिए वो मेडिकल स्टोर में कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट करने के बाद मेडिकल स्टोर वालों की तरफ से ये कहा जाता है उन्हें कि अगर प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ना हो तो फिर उनको वो दवाई नहीं दिया जा सकता। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, शायद आपको भी पता होगा कि उन्होंने उनकी दीदी के साथ कॉन्टेक्ट की कि कैसे ये संभव है। तो उनकी दीदी डेफिनेटली अपने भाई जो है, सब दीदी के अंदर ये छोटा भाई है, तो भाई तो बहुत ही प्यारा है, और साथ ही साथ भाई ने ऐसा हेल्प अगर चाहा है लॉकडाउन के अंदर तो कोई भी दीदी हेल्प करने की कोशिश करेगी। तो इन्होंने भी सुशांत सिंह राजपूत को हेल्प करने के लिए उन्होंने कहा था कि मैं देखता हूं। उसके बाद प्रियंका सिंह के तरफ से सुशांत सिंह राजपूत को जो दवाई मेडिकल स्टोर वाले सुशांत सिंह राजपूत को देना नहीं चाह रहे थे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, प्रियंका दीदी एक प्रिस्क्रिप्शन की इंतजाम करते हैं ताकि सुशांत सिंह राजपूत वो दवाई को खरीद सके। और यही दवाई का जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल में भेजा था ताकि लॉकडाउन के अंदर कम से कम उनकी भाई को जो मेडिसिन है वो मेडिसिन मिलता रहे। और यही वो प्रिस्क्रिप्शन है जो प्रिस्क्रिप्शन फिलहाल आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रिस्क्रिप्शन आप जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं, अगर आप एक एसएसआरियर हैं तो इससे पहले देखा होगा, पर यही वो प्रिस्क्रिप्शन है जो कि सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस कैंपेन को अटक के रख दिया है। कैसे वो मैं बता रहा हूं। तो ये प्रिस्क्रिप्शन सुशांत सिंह राजपूत के पास आने के बाद एज यूजुअल सुशांत सिंह राजपूत ने दवाई ले ली और दवाई कंज्यूम कर लिया, पर सुशांत सिंह राजपूत की देहांत के बाद जब ये प्रिस्क्रिप्शन हमारे सामने आया सुशांत सिंह राजपूत की मोबाइल से, एकदम सोशल मीडिया पे फैल गया ये प्रिस्क्रिप्शन कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका सिंह कैसे सुशांत को कोई डॉक्टर से डायरेक्टली चेकअप करवाए बिना ही एक प्रिस्क्रिप्शन बना के, यानी इस प्रिस्क्रिप्शन का नाम दिया गया था फर्जी प्रिस्क्रिप्शन, तो एक फर्जी प्रिस्क्रिप्शन कहां से जुगाड़ करके दे दी। और डेफिनेटली मेडिकल लॉ के अनुसार जब तक कोई एक डॉक्टर के पास विजिट करके प्रॉपरली तरीके से डॉक्टर उसको एग्जामिन ना करे तब तक कोई डॉक्टर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता। तो डॉक्टर तरुण कुमार के तरफ से ये जो प्रिस्क्रिप्शन था, ये प्रिस्क्रिप्शन कैसे प्रेस्क्राइब किया गया था, ये एक सबसे बड़ा सवाल उठाया गया था। और ये सवाल किसने उठाया था, ये उठाया था रिया चक्रवर्ती ने। डॉक्टर तरुण ने ये प्रेस्क्राइब किया था दिल्ली बैठ के, और सुशांत सिंह राजपूत था मुंबई पे। तो दिल्ली में बैठ के मुंबई में एक पेशेंट को इस तरीके का दवाई प्रेस्क्राइब करना,
जो कि रिया चक्रवर्ती ने यह कहा है कोर्ट को कि ये एक इल्लीगल है, ये एक अपराध है। और इसके ऊपर बेस करते हुए रिया चक्रवर्ती ने एक एफआईआर रजिस्टर करते हैं, एक केस तैयार करते हैं प्रियंका सिंह के खिलाफ। और ये ही वो केस था दोस्तों जो केस फिलहाल आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि प्रियंका सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत को डॉक्टर तरुण कुमार के माध्यम से दिया हुआ एक फर्जी प्रेस्क्रिप्शन लेके उनको मेडिसिन लेने के लिए सजेस्ट करते, और इसी के आधार पर सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका सिंह के ऊपर एक बहुत बड़ी केस और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा आरोप लेके आया गया था। अब ये केस के बाद डेफिनेटली कोर्ट में ये साबित करना होगा कि जब डॉक्टर तरुण दिल्ली में था तो सुशांत सिंह राजपूत भी दिल्ली में जाके ही चेकअप करवाया होगा, यानी उस डेट को यानी 8 तारीख को ये प्रूफ करना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत भी दिल्ली में ही मौजूद था। तो ये अब कैसे प्रूफ होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है और जिसके ऊपर ही ये केस बना हुआ है। और ये है वो केस की तमाम पेपर्स। अब ये पेपर्स यानी जो कि मैंने अभी अभी बताया कि डॉक्टर की ये प्रेस्क्रिप्शन और ये केस पेपर के माध्यम से ही, ये दोनों चीज के माध्यम से ही सुशांत सिंह राजपूत की पूरी जस्टिस का जो प्रोसेस है वो रुक के रखा गया है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए एग्जैक्टली सीबीआई आज तक कितना काम किया है वो जानकारी लेने के लिए या फिर सीबीआई से क्लोजर रिपोर्ट मांगने के लिए कोर्ट में जाके एक लीगल हलफनामा देना होगा, और वो भी फैमिली मेंबर को। और जब फैमिली मेंबर पे ही केस चल रहा है तो डेफिनेटली कोर्ट के तरफ से उनकी बातों के ऊपर कितना परसेंट अमल दिया जाएगा ये तो बाद की बात है। और इसी के कारण ही मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की यही वो प्रेस्क्रिप्शन था दोस्तों जो कि मेन मुद्दा बन गया है सुशांत सिंह राजपूत की यही जस्टिस प्रक्रिया में बाधा बनना। आई होप कि आज के दिन में आप लोगों को एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ गया कि आज के दिन में एग्जैक्टली सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की यह प्रक्रिया किस जगह पे जाके रुका हुआ है। और सबसे बड़ी बात आते हैं अब कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की मोबाइल से ये जो डेटा था यानी ये जो प्रिस्क्रिप्शन था, ये प्रिस्क्रिप्शन अगर सुशांत सिंह राजपूत तो खुद पब्लिकली नहीं किया, डेफिनेटली उनकी मोबाइल से किसी न किसी ने चोरी करके पब्लिकली या फिर आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दिया, तो वो कैसे संभव हुआ। यानी सुशांत सिंह राजपूत तो खुद नहीं चाहेगा कि मैं इसको पब्लिकली कर दूं, तो सुशांत की मौत के बाद डेफिनेटली किसी न किसी ने किया होगा यह काम। यानी वो शख्स कौन है जो कि सुशांत की मोबाइल से सुशांत की ये डेटा को चोरी किया है और वो कैसे किया है, ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि सुशांत सिंह राजपूत की चले जाने के बाद सुशांत की मोबाइल से ये डेटा को चोरी करना वो कैसे संभव हुआ, सुशांत की पूरी तमाम व्हाट्सएप चैट को पब्लिकली करना कैसे संभव हुआ, ये जानने के लिए जो आई बटन पे जो वीडियो आ रहा है ये वीडियो को चेकआउट करिए, यानी मेरा लास्ट जो वीडियो है उस वीडियो पे विजिट करिए, आपके सामने सब कुछ पानी के तरह क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो के जरिए मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा चीज रख पाया कि आपके मन में भी जो क्वेश्चन हमेशा चलता है कि और कितना दिन लगेगा सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलने में, तो इसका आंसर आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के जरिए ही मिल गया है। और बाकी सुशांत की मोबाइल से वो डेटा कैसे चोरी हुआ वो जानने के लिए मेरा ये वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।